नागौर जिले में एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आरोपी ने 2 दिन फरार रहने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी ने एक अन्य युवती से प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही नाबालिग पत्नी की हत्या की। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था, लेकिन आरोपी पुलिस कांस्टेबल को धक्का देकर फरार हो गया था। 2 दिन तक फरार रहने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उसे तलाश कर रही थी। 2 दिन पहले नागौर के खुनखुना से एक नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने के बाद पोबेरी गांव में खेत में बने वाटर टैंक में लड़की का शव डाल दिया था। आरोपी शबीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पिता व एक भाई को भी हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसी रात 9:15 बजे आरोपी थाने के पीछे खुली खिड़की से फरार हो गया था। गच्चीपुरा पुलिस ने 24 घंटे बाद रविवार को रात 11 बजे शाबिर को उसके घर से दबोचा। वैसे अगर देखा जाए तो शाबिर पुलिस की लापरवाही के चलते फरार हुआ था। रविवार रात खुनखुना हेड कांस्टेबल छोटूराम विश्नोई ने थानाधिकारी की अनुमति के बिना शाबिर को कंप्यूटर रूम से लाकर बैरक में बंद किया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। 1 घंटे तक पूछताछ करने के बाद हेड कांस्टेबल उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। तेज़ गर्मी के कारण आरोपी को वहां घुटन महसूस हुई। उसने बैरक की एक खिड़की खोल दी, लेकिन खिड़की में सलाखें नहीं थी। ऐसे में आरोपी खिड़की से कूदकर रेलवे ट्रैक पार करते हुए खेतों में अपने घर के पास फसल में छुपकर बैठ गया। वहीं आरोपी के गायब होने के 20 मिनट बाद पुलिस को पता चला तो हाथ उनके पाँव फूल गए। पुलिस ने तुरंत ही शाबिर के घर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। दरअसल शाबिर घर के सामने खेत में छुपकर यह सब देख रहा था। एक रात व एक दिन वो फसल में ही छुपा रहा। पुलिस के 3 जवान घर के बाहर पहरे पर बैठे थे। वह भूख और प्यास से परेशान होकर पुलिस को घर के सामने से हटने का इंतजार करने लगा। रात को 10 बजे पुलिस के जवान जब थाने पहुंच गए, तब आरोपी फसल से निकलकर घर पहुंचा। रात को शाबिर घर पहुंचा तो परिजनों ने उसे सरेंडर करने के लिए तैयार किया, जिसके बाद शाबिर ने थानाधिकारी अमरचंद बाकोलिया को फ़ोन लगाकर घर पर होने की सूचना दी, जिस पर थानाधिकारी ने सिपाहियों की ढाणी दमबोई कला पहुंच पहले दस्तक की और फिर शाबिर को अपने साथ थाने ले गई। इसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचित किया व बाद में खुनखुना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।